दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से भारत में जियो आया है तब से इंटरनेट यूजर्स की बाढ़ सी आ गई है। आजकल इंटरनेट पर क्या क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कभी कभी तो इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जिसे देखकर समझ ही नहीं आता कि आखिर ये चीज इंटरनेट पर वायरल कैसे हुई है। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इंटरनेट पर वायरल होता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ ट्रेंड्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स इतने घटिया होते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं होता और लोग उसे फॉलो करते हैं और उसे फॉरवर्ड भी करते हैं। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही घटिया और निहायती ट्रेंड्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर वन, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। दोस्तों, इन आंटी ने अपने हाथ में चाय का ग्लास लेकर बस ये बोल दिया कि हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। पर बस इतने में ही वो पूरे इंडिया में छा गई और लोगों ने लाखों वीडियोस बनाई फिर इस ट्रेंड पे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नंबर टू, सोनू तुझे माझे वर भरोसा नहीं है के। दोस्तों, ये एक साउथ इंडियन सॉन्ग है जिसके लिरिक्स को लेकर कुछ साउथ इंडियंस ने एक वीडियो बनाई थी और फिर साउथ इंडिया में इस चीज का ट्रेंड चल गया। लेकिन ये ट्रेंड सिर्फ साउथ तक ही नहीं रहा, बल्कि कुछ लोगों ने इसका हिंदी वर्जन बनाया और उसके बाद ये ट्रेंड पूरे देश में बीमारी की तरह फैल गया और फिर हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा था कि सोनू तुझे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। सोनू हमरे पे भरोसा काहे नहीं के? नहीं के? सोनुआ के माई मोटी। नंबर थ्री, सोनम गुप्ता बेवफा है। दोस्तों, किसी मनचले आशिक या प्यार में धोखा खाए हुए आशिक ने 10 के नोट पर ये लिख दिया था कि सोनम गुप्ता बेवफा है और फिर ये उस नोट की फोटो लेकर किसी व्यक्ति ने उसे अपलोड कर दिया फेसबुक पे और ये 10 का नोट रातों रात ही इतना ज्यादा वायरल हो गया कि हर जगह बस यही चल रहा था, हैशटैग सोनम गुप्ता बेवफा है, और लाखों वीडियोस भी बनी इस टॉपिक पे। और यहां तक कि जिन लड़कियों का नाम सोनम गुप्ता था उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हुई इस बकवास ट्रेंड की वजह से। उछाला जाता है तो मतलब कहां है आजादी, है ना? कहने जाते कि 60 साल से हमको आजादी मिल गई है पर महिला कहीं आजाद नहीं है इस तरह। नंबर फोर, दोस्तों गजेंद्र वर्मा ने यूट्यूब पर एक सॉन्ग अपलोड किया था जिसका नाम था तेरा घाटा। उसके बाद इस सॉन्ग का सर्वनाश किया म्यूजिकली पर वीडियो बनाने वाले लोगों ने। खैर दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हुई जब इन चार लड़कियों ने इस सॉन्ग पर वीडियो बनाई। इन्होंने इस वीडियो में इतनी घटिया और गंदी हरकत की है कि जिसके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप YouTube और Facebook यूज करते हैं तो आपने वीडियो तो जरूर देखी होगी। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर काफी लड़कों ने भी इस तरह की वीडियो बनाई और पूरे इंटरनेट पर गंद फैला दिया। चलो एक बार को मान लेते हैं कि वीडियो मजाक मस्ती में बना दी गई और हम भी इतने मैच्योर हैं कि इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं जिन पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। खैर दोस्तों, बच्चों की भी छोड़ो, लेकिन जो आपके घर वाले या माँ बाप ये तुम्हारी वीडियो देखेंगे तो सोचो उनको कैसा लगेगा। दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश में ऐसे ही वीडियो वायरल होते हैं और ऐसी ही लड़कियां ट्रेंडिंग में आती हैं, लेकिन जो लड़कियां देश के लिए मेडल लेकर आती है ना, वो नहीं वायरल होती और नहीं ट्रेंडिंग में आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।